हेलो दोस्तों, आज हम लेके आ रहे हैं कॉफ़ी का बहुत ही टेस्टी रेसिपी। और ये इसे ना सूजी, आटा, बेसन किसी चीज़ से भी नहीं बना रहे हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जो भी वीडियो लाए सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे, और अपनी फैमिली और फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, मैंने कुछ गोभी ले लिया है, अभी ने छोटे पीसों में काट लिया है। अब ग्राइंडर ले लेते हैं, इन्हें हम पीसेंगे, तो इन्हें हम डाल देते हैं। इन्हें हम डाल दिया हमने। अब इसमें हम डाल देते हैं एक प्याज है मीडियम साइज़ के, थोड़ा सा मैंने अदरक, और दो तीन से चार मैंने मिर्ची ले लिया है, इन्हें भी डाल देते हैं। इन्हें दरदरा हम ग्राइंड कर लेंगे, इसके जगह चॉपर से भी आप कर सकती हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से देखिए दरदरा मैंने पीस लिया है इन्हें। ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ये। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं, कढ़ाई में थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फिर 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे। थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, अब इसी में हम गोभी डाल देंगे। नीचे से मिक्स कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे अच्छे से। ये काफ़ी अच्छी जगह भून चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं आप, और नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। नहीं भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं ये। बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब इसमें 1 कप हम पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब एक उबाल आ गया है, फिर इसमें हम डाल देंगे उतने जितना मैंने पानी लिया था उतना ही हम चावल का आटा डाल देंगे इसमें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डो की तरह रेडी करेंगे हम। ये काफ़ी अच्छे से देखिए हो चुके हैं। अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे, इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं हम। अब इन्हें निकाल लेते हैं, इसके हमने निकाल लिया है, ये थोड़ा ठंडे हो जाए। अब इसमें हम धनिया डाल देते हैं ढेर सारा, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए अच्छे से मिक्स करने, डो की तरह रेडी कर लिया हमने इन्हें। थोड़ा थोड़ा हम लोई ले लेंगे इस तरह से करके इन्हें, ये देखिए इस तरह दबा दीजिए इन्हें। ये देखिए इस तरह से इन्हें सभी को रेडी कर लेंगे हम। ये मैंने सभी को बना लेते हैं इसी तरह। अब हम तेल गरम कर लेते हैं कढ़ाई में, तेल मीडियम फ्लेम में होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत धीमे होना चाहिए। धीमे रहेंगे तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा तेल सोख लेगा, तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तब अच्छे से गर्म हो जाए फिर इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए
दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हम कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है ये। आप इसे सुबह शाम किसी भी टाइम बनाइए, बहुत पसंद आएगा आपको ये और बच्चे भी काफ़ी पसंद से खाएंगे ये। ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गए हैं ये, अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए अभी इन्हें निकाल लिया हमने, अब प्लेट में हम निकाल देते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है ये। इसे हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व करिए, बहुत पसंद आएगा इसे आप। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।